मैंने अपना जो ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ पर उन ब्रांड्स के डीलर के पास गया। उनका यही था कि नहीं नहीं फेल हो जाओगे, ऐसे नहीं बिकेगा, ऐसे नहीं चलेगा ये। अभी ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका हमने नाम भी सुना होगा कि जो वो क्रिकेट में होंगे भी या खेलते भी होंगे, लेकिन हमें वहाँ से भी ऑर्डर आता है। मेरी कंपनी का नाम वाइट डॉट स्पोर्ट्स है और हम लोग स्पोर्ट्स गियर बनाते हैं। ये एक ऑनलाइन स्टोर है। वाइट डॉट मैंने शुरू किया था लाइक 2016 में। आई डिड फैशन ग्रेजुएशन। फैशन से सीधा स्पोर्ट्स पे आना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। फैशन में मैं इंडियन वेयर डिज़ाइन करती थी। राइट नाउ आई एम डिजाइनिंग स्पोर्ट्स गियर्स लाइक बैटिंग पैड्स, ग्लव्स, चेस गार्ड्स, इवन इस पे कलर कॉम्बिनेशन सेट करना। मैंने ये देखा कि इंडिया में क्रिकेट बहुत पसंदीदा खेल है, लेकिन यहाँ पर जो अभी अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनके पास है ना इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, और हैं भी तो मतलब उनके पास इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके नीड को देखते हुए, क्योंकि वो जब भी क्वेश्चन करते थे हम उससे, सर कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा, कुछ वो मिल जाएगा, तो मुझे लगा कि यार मुझे भी ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं इनको लोएस्ट प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकूँ। तो स्टार्टिंग हमने क्रिकेट बैटिंग लव से करी थी। अभी हमारे यहाँ ऑल प्रोटेक्टिव गियर हम अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। कस्टमर को डर रहता है, पता नहीं अगर वो ऑर्डर कर रहा है उसको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो हमसे क्वेश्चन करते थे कि आपका क्या ये प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल है। फिर हमें लगा कि यार कस्टमर अमेजोन पे बहुत ट्रस्ट करता है और हमें अमेजोन पे इसको लॉन्च करना चाहिए। विद इन अ डे हमारे पास 8-10 ऑर्डर्स थे। वी वर लाइक हैप्पी कि यार ये तो हमारा ब्रांड इतना लोग लाइक करने लग गए हैं। वो ऑर्डर्स ग्रेजुअली बढ़ते गए और अभी हम लोग लाइक मोर देन 100 ऑर्डर्स पर डे कर रहे हैं। इंडिया में हमारे पास ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं है जहाँ से ऑर्डर ना आता हो। हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार से भी ऑर्डर आता है, और श्रीनगर से भी ऑर्डर आता है, बारामुल्ला से भी ऑर्डर आता है। पैन इंडिया तो पूरा ही कवर्ड है जहाँ से हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं। जो वाइट डॉट का ब्रांड है सबसे ज़्यादा US में अभी हम सेल कर रहे हैं, US, कनाडा, मेक्सिको, और इवन अभी न्यूजीलैंड में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड्स आ रही हैं। फेस्टिवल सीजन बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे ऑनलाइन में। तो फेस्टिवल सीजन में हमारे पास ऑर्डर्स जो हैं मतलब कि डबल ही हो जाते हैं। दिवाली में लोग गिफ्टिंग बहुत करते हैं, और जो प्लेयर्स होते हैं ना उनकी भी डिमांड होती है कि ठीक है जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो दिवाली पे उनको क्या दिलाएंगे, वो आज के टाइम पे स्पोर्ट्स इतना फेमस है कि वही दिला देंगे। जैसे अभी IPL सीज़न चल रहा है, अभी IPL लॉकडाउन से पहले काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स थे हमारे पास प्रोडक्ट्स के, तो जैसे ही लॉकडाउन अभी ख़त्म हुआ फेस्टिव सीज़न IPL दोबारा चालू हुआ, दोबारा स्टार्ट होते ही हमारे पास ऑर्डर्स लाइक डबल हो गए हैं। तो जनरली हमारे पास 100+ ऑर्डर रहते हैं, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं ओवरऑल हमारे पास 250+ ऑर्डर्स हैं। अभी ओलंपिक्स के बाद से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, हमारे पास इंक्वायरी आती है कि आपके पास जैवलिन मिल जाएगा क्या। मतलब लोग ना मतलब हर चीज़ जो है ये हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट करती है। अभी हम लोग स्टूडेंट भी कवर कर रहे हैं और स्टूडेंट्स में हमारी किट जाती हैं। तो अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट में लीग हुई थी और उस लीग में जॉन्टी रोड्स मतलब आए हुए थे, तो उन्होंने हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्राई किया, उन्होंने उसको चेक किया और उन्होंने काफ़ी अच्छा उनका फीडबैक मिला था। जो मेरा बायर था उसने फोटो भेजा, उसने बोला कि जॉन्टी रोड्स के ये साइन किए हुए बैट है, ये मैंने आप लिए रखा हुआ है, मैं आपको वापस भेजूंगा। तो दैट वाज लाइक एक प्राउड मोमेंट। इन 2016 हम तीन लोगों ने स्टार्ट किया था। जब हमने ये ऑफिस स्पेस लिया था तो इट वाज सो बिग, और अभी हम तीन से लेकर अभी हम लोग 15 पीपल हो गए हैं,
और इसके अलावा जब हमने स्टार्ट किया था हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक था बंदा था उस टाइम पे कि एक बंदा हमारे मैन्युफैक्चर कर रहा है। आज हमारे पास ऑलमोस्ट 12 यूनिट्स हैं जो कि हमारे लिए मैन्युफैक्चर कर रही हैं।